शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि चंद हफ्तों में सियासत में हमागीर तब्दीलियां आ सकती हैं। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया पर पहुंच चुका है, लेकिन हुक्मरानों को अपने अयाशियों से फुर्सत नहीं है। गरीब की फाकाकशी और हुक्मरानों की मौज मस्ती मुल्क में तसादुम करवाएगी। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में सियासत में हमागीर तब्दीलियाँ आ सकती हैं। 13 सियासी जमातों का बानमती का कुनबा अपनी सियासी मौत मरते हुए पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहा है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद भी आ सकती है और अप्रैल तक इलेक्शन शेड्यूल भी आ सकता है। जो कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उनको अकल आ जानी चाहिए। मजीद कहा कि मैं 4 दिनों के लिए यूके आया हूं, लंदन और मैनचेस्टर में पाकिस्तानियों से मुलाकात करूंगा। यहां सारे पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि जल्द ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा।